बतख हार्वेस्ट इन जापान। आखिर कैसे जापान बतख की मदद से अपने खेतों को अन्य जीवों से बचाता है और कैसे इन बतखों के मीट को बेचकर लाखों रुपए कमाता है, और क्या आप जानते हैं बतख का उच्छेर कैसे किया जाता है और इसके हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जापान में हेल्दी फूड की डिमांड लोगों के बीच ज्यादा है, इसलिए ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए चावल की कीमत भी ज्यादा है। इसीलिए जापान के किसान बतख का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल सबसे पहले मार्केट से बतख के बच्चे को लाया जाता है और इसे एक सप्ताह तक एक बॉक्स बनाकर बल्ब के नीचे रखा जाता है, क्योंकि बच्चे को गर्मी की जरूरत होती है। इस दौरान खाना और पानी बीच बीच में डाला जाता है। अब एक सप्ताह के बाद बच्चे को बाहर खुले में छोड़ दिया जाता है, लेकिन अभी इसको खेतों में नहीं जाने दिया जाता। बाद में किसान धान की रोपाई करते हैं और 15 दिन के बाद इन बतख के चूजे को खेतों में छोड़ दिया जाता है, जहां ये धान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इसमें मौजूद अन्य जीवाणु को खा जाते हैं। इसीलिए धान को कोई नुकसान ना हो और पाक सुरक्षित रहे। और एक बात कि बतख पूरा दिन खेतों में रहते हैं, इसीलिए बतख खेतों में ही पोटे करते हैं ताकि ये खाद के रूप में धान को फायदा हो और कोई भी प्रकार के विलायती खातर की जरूरत ना पड़े। और इस प्रकार से उगाया गया चावल बहुत ही ऊंचे दामों पर बिकता है। अब बारी आती है इन बड़े हो चुके बतख से और भी ज्यादा पैसे कमाने की, मतलब कि इन बतखों को फैक्ट्री में बेचने की, क्योंकि अब इन बड़े बतखों का अब कुछ काम नहीं रहता। इसलिए इन सारे बतख को एक ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहाँ कुछ वर्कर्स इस बतख को मशीन में लगे हुक में लगा देते हैं, कुछ इस तरह आप देख ही सकते हैं, जहाँ पर इन्हें ऑटोमेटिक मशीन से गुजारा जाता है। अब इनको एक और मशीन से गुजारा जाता है, जहाँ पर इनके पंख निकाले जाते हैं, लेकिन आगे खड़े वर्कर्स इनको पानी से अच्छी तरह से साफ करते हैं, ताकि इनके कुछ बचे हुए पंख निकल जाए और इनकी अच्छे से सफाई भी हो जाए। अब इन बतख को कन्वेयर के जरिए आगे भेजा जाता है। वहाँ पर वर्कर्स इनके पैरों के कटिंग कर लेते हैं और इनको आगे भेज देते हैं, जहाँ पर फिर से इसकी सफाई की जाती है और एक वर्कर्स इनके बीच चेरा लगा देता है, ताकि इनके पेट में भरी गंदगी को निकाला जा सके। अब इनको उल्टा लटका कर एक ऑटोमेटिक मशीन इनकी गर्दन को काट लेती है। बाद में इसी प्रकार इनके सभी बॉडी पार्ट्स को काट लिया जाता है। फिर आगे खड़े वर्कर इन सभी पार्ट्स को एक बास्केट में भर देते हैं और इसमें बर्फ भी डाल देते हैं, ताकि इनका मीट लंबे समय तक खराब ना हो और ये अब मार्केट में बिकने के लिए तैयार है।